हेलो एवरीवन, दिस इज दीपराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे जवान मूवी देखने जाना था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लेकिन मैंने फैमिली में पूछ लिया कि किसी को आना है, तो सब लोगों ने बोला कि हम लोग वीकेंड पे जाते हैं ताकि सब लोगों को टाइम मिले। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग आफ्टर 5 डेज गोइंग टू सी जवान मूवी, और हम लोग हम लोग यहाँ पर देखने आए हैं फैमिली के साथ, मॉम डैड सब लोग हैं। तो पूरा फैमिली आज यहाँ पे आया हुआ है, मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, दिस दीपराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग आए हैं दांतों के ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लाइक माई टीथ ट्रीटमेंट इन USA। सो अभी मुझे फुल स्माइली करनी है, क्योंकि मैं अभी ये एक्टिंग लाइन में आ चुकी हूँ एंड एज अ प्रोड्यूसर भी हूँ अब तो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप को पहले ठीक किया जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और USA में अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, ये तो हमारे पहचान में है, इसलिए हमारा जल्दी हो गया है। अदरवाइज सीरियसली बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है यहाँ पे USA में। इंडिया की तरह नहीं है कि हर एक काम फटाफट हो जाए, यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए प्री बुकिंग करवाना पड़ता है। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, सबको पता ही है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स आ गया है, लेकिन उसका प्री बुकिंग चल रहा है यहाँ पे USA में, ऐसे नहीं मिल जाता। तो कल 8 o'clock उठना है, मुझे बुक करना है फ़ोन। मैं सोचूंगी कि मैं कैसे बुक करूंगी, मैं सुबह में जल्दी नहीं उठ पाती, और सबको घर में पता है कि मैं नहीं उठ पाती। और अभी मैं गई थी मेरे न्यू हाउस पे, अभी थोड़ा काम बहुत ज़्यादा बाकी है वहाँ पे, और अभी आई हूँ मेरे ये वाले हाउस पे, दूसरे वाले हाउस पे। तो मुझे डेली पूजा करने वहाँ पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि दोनों घर पे पूजा मैं ही करती हूँ, ये वाले घर पे भी और उस वाले घर पे भी। बहुत सारा काम बाकी है, एक्सटेंशन बाकी है, क्योंकि वो हाउस है वो भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है हमें, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सटेंशन करवा देते हैं, बड़ा थोड़ा करवा देते हैं। उसके बाद ये वाला हाउस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा न्यू हाउस होगा बीच पे। हमारी ज़मीन है बहुत सारी बीच पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे हम लोग टेम्पररी 2-3 ईयर्स रहेंगे, उसके बाद वहाँ पे मूव हो जाएंगे। तो वो भी काम स्टार्ट ही है एक तरफ, कि क्या करें और मैं जा रही हूँ दूसरी कंट्री में। कल रात को मैंने डिसाइड किया और आज मैंने टिकट बुक की, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज मेरा एक इवेंट है कनाडा में, तो मैंने सोचा मैं उस पर्सन से मिलने जाऊँगी जो गुजरात में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उनका बहुत ही बड़ा नाम है, और उनको मैंने भाई बोला है, भाई बनाया हुआ है। सो मैं बताऊंगी कि कौन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, कहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं, कौन सा इवेंट है, सब कुछ मैं बताऊंगी बाय दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज मैं जल्दी उठ गई 8 o'clock, क्योंकि क्यों उठी हूँ आपको पता चलेगा मेरे ब्लॉग में, और वैसे मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाती। क्या हुआ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी आज मेरी मॉर्निंग कुछ जल्दी हो गई, 8 o'clock मॉर्निंग, क्योंकि मुझे आईफोन बुक करना था, आईफोन 15 प्रो मैक्स नेचुरल टिटेनियम, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि पूरा सोल्ड आउट है। मैंने सोचा कि मैं अभी दुबई में होती तो मैं फटाफट, मेरे पास पहले फ़ोन आता कि वहाँ पे एच के पीस भी मिलता है, दुबई पीस भी मिलता है, और सारे मतलब जापान सारे कंट्री के फ़ोन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह तो मिल ही जाता है। यहाँ पे US में ऐसा नहीं होता, US में बुक करना पड़ता है। या नाइला, कम हियर, आई एम डाउन स्टेयर्स, माई मॉम्स कैट। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यार मेरे पास आज फ़ोन जल्दी नहीं आया, और मुझे 1 वीक के बाद मिलने वाला है, वो भी मुझे ब्लू कलर और ब्लैक कलर ही अवेलेबल था। तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ब्लैक तो मुझे फ़ोन में ब्लैक कलर मुझे इतना पसंद नहीं है, तो मैंने ब्लू कलर ले लिया। तो सोचा कि ठीक है अभी ये ले लेती हूँ, दूसरी बार मैं नेचुरल टिटेनियम ले लूँगी, क्योंकि मुझे 2 फ़ोन तो लगते ही है और मेरे पास ऑलरेडी 4 फ़ोन है ही। तो मैंने सोचा कि ठीक है, और वैसे मैं अपने पुराने फ़ोन कभी बेचते नहीं हूँ, ऐसे ही फैमिली में किसी को दे देती हूँ या मेरे पास रहता है, ऐसा ही होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है आज मैंने ब्लू बुक किया, 1 TB मैंने बुक किया है, क्योंकि मेरे सारे फ़ोन 1 TB ही है। सोचा ठीक है कोई बात नहीं।
शिट, आज मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई, अभी मेरी फ्लाइट है इन 1 आवर। क्योंकि मम्मी ने थेपले बना के रखे हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए। मेरा काम ऐसा ही होता है, मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। वैसे तो मैंने इंटरनेशनल कहीं फ़्लाइट छोड़ी है, लाइक बहुत ज़्यादा मेरी फ़्लाइट छूटी है। इंटरनेशनल फ़्लाइट कौन छोड़ता है? किसी इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो किसी को नींद भी नहीं आती पूरी रात तक। लेकिन मुझे तो मेरा पूरा अलग है कि जब मेरी फ़्लाइट होती है तभी मुझे नींद आती है, और मेरी बहुत सारी फ़्लाइट मैंने ऐसे ही छोड़ी है। तो अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट, मुझे जल्दी पहुँचना पड़ेगा। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ हमेशा की तरह 12 o'clock, और मैं जा करके आई हूँ अभी और जा रही हूँ एयरपोर्ट। तो एक्चुअली मैं गोल्ड मेंबर हूँ, इसलिए यूनाइटेड में इतना प्रॉब्लम नहीं रहता, जाके बिजनेस क्लास पे चेक इन करो, दैट्स इट। सो अभी मेरी फ़्लाइट है, और यहाँ पे यूएसए में ना कभी भी आपको कनाडा जाना हो तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो ग्रीन कार्ड ही लगता है, और कोई भी चीज़ नहीं लगती है। लाइक दे आर नॉट चेकिंग वीज़ा, क्योंकि कनाडा की वीज़ा यहाँ पे चेक नहीं करते। तो कनाडा जाना है यूएसए से तो अगर आपके पास पीआर हो या लाइक इट्स कॉल्ड ग्रीन कार्ड, तो आप जा सकते हो आराम से। तो मेरे पास तो दोनों ही है। फाइनली मैं किसी को मिलने जा रही हूँ। ही इज़ अ बिग सिंगर इन गुजरात इंडस्ट्री, और उनका बहुत नाम है गुजरात में, इंडिया में। तो वो आए हुए हैं, हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि आप आ जाओ यहाँ पे कनाडा। तो मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरा एक इवेंट आ रहा है यूएसए में, और मैं उनको भाई मानती हूँ। ही इज़ अ वेरी फेमस सिंगर इन इंडिया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हमारा 5 दिन का इवेंट भी है कनाडा में, तो मैं बहुत ही बड़ा इवेंट करने वाली हूँ यूएसए में, शायद किसी ने भी नहीं किया है। ये इवेंट फर्स्ट मैं ही करने वाली हूँ यूएसए में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको मिल आती हूँ। उनको भी मैं इन्वाइट करने ही जा रही हूँ कि आपको भी मेरे इवेंट में शामिल होना है, तो वो भी आएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। हर एक जगह पे मैंने यहाँ पे बाहर कपल देखे हैं, मैंने कुछ कपल ऐसे भी देखे हैं जो 70-80 ईयर्स के भी होते हैं, तो भी एक दूसरे का इतना ख्याल रखते, इतना प्यार मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना प्यार लोगों के बीच में, लाइक कपल के बीच में, इन दिस एज लाइक 70-80, तो यहाँ पे बाहर की कंट्री में ही इतना प्यार देखा है मैंने, सीरियसली बहुत ज़्यादा। मेरे घर में ही देख लो, मेरे मॉम एंड डैड इन दिस एज दे आर सो गुड विद ईच अदर, बहुत अच्छा है दोनों के बीच में अभी तक। लाइक कुछ इंडियन कपल होता है ना जो हमेशा झगड़ा करते रहता है, झगड़ा 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 के अलावा लाइफ में कुछ देखा ही नहीं होता, वैसा हमारे घर में नहीं है। हमारे घर में बहुत सारे रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को, और अगर किसी से कुछ गलती भी हो जाए तो भी उसको प्यार से समझाते हैं कि ऐसा है वैसा है। हमारे इंडियन की तरह नहीं कि हमेशा झगड़ा करने बैठ जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पे तो कपल की बात ही कुछ और होती है। 70-80 ईयर्स के कपल, लाइक हस्बैंड वाइफ, बाहर कैफ़े में जाते हैं या आंटियाँ कैफ़े में जाती है, तो बहुत कुछ अच्छा है। लाइक मेरी फैमिली भी, पूरी फैमिली मेरी ऐसी है यहाँ पे, तो किसी को कुछ इतना ऐसा नहीं है कि मतलब जिसको जो करना है कर सकता है, जहाँ पे भी जाना जा सकता है, कभी कोई रोक टोक नहीं है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं हमेशा घूमती रहती हूँ, एवरी टू मंथ्स मैं आउट ऑफ कंट्री जाती रहती हूँ, और 33 अब कंट्री घूम चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, मेरे 5 पासपोर्ट ऑलरेडी भर चुके हैं, और हमेशा मेरा ट्रैवलिंग रहता है, मतलब मेरी लाइफ ही यही है। मुझे कोई घर में बांध के रखे ना तो मैं वैसी वाली लाइफ जीना नहीं चाहती लाइफ में, तो हमेशा मुझे फ्रीडम चाहिए। मुझे घूमना पसंद है, मेरा काम करना पसंद है, तो मैं काम के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा 100% देती हूँ मैं, कि यार लाइफस्टाइल मेरी ऐसी है। तो हमेशा यहाँ पे बिजनेस क्लास को प्रीमियर एक्सेस बोलते हैं।
तो कीर्ति भाई का प्रोग्राम है इसलिए वो गए हैं, तो मैं रेडी होके जा रही हूँ। गाइस तो मैं रेडी हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं इवेंट में।